एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, मैंगोज अराउंड द ईयर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे तीन बच्चे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति, जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। नीतू कह रही है कि अमन आज स्वीट पूरी लेकर आया है। अमन कह रहा है कि नीतू आज पोटैटो की सब्जी लेकर आई है, और प्रीति कह रही है कि वो आज भिंडी लेकर आई है। फिर अमन नीतू से बोलता है कि नीतू तुम्हारी सब्जी तो ख़राब हो गई है। तो प्रीति कहती है कि तुम उसे मत खाओ, अगर तुम खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, तो तुम मेरी भिंडी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता लगा कि पोटैटो की जो सब्जी थी, आलू की सब्जी, वो ख़राब हो गई? तो कैसे पता लगता है हमें अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है? उसकी बैड स्मेल से। ठीक है, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें से गंदी स्मेल आती है, तो उससे पता लग जाता है कि चीज़ ख़राब है। तो मैंने यहाँ पे आंसर किया, आप इस तरीके से आंसर कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। आपने कभी फूड देखा है जो ख़राब हो गया है, और आपको कैसे पता लगता है? तो बहुत बार ही आपने देखा होगा आपके घर में खाना ख़राब हो जाता है, और पता कैसे लगता है? उसकी बैड स्मेल से। तो देखो, मैंने यहाँ पर आंसर किया, येस आई हैव सीन सम फूड स्पॉइल्ड, आई गॉट नो बाय द स्मेल, बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट। तो ये आप आंसर कर देना ऐसे। थर्ड क्वेश्चन है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू को बोला था कि पोटैटो की सब्जी मत खाओ। वॉट वुड हैव हैपन इफ शी हैड ईटन इट, अगर वो खा लेती तो क्या होता? तो देखो, अगर नीतू ख़राब सब्जी खा लेती तो वो बीमार हो जाती, उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती थी। इस तरीके से आप आंसर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। आपको फूड आइटम्स के नेम बताने हैं जो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, या फिर 2-3 दिन तक चल जाते हैं। तो जैसे कि मिल्क होता है, बॉयल मिल्क होता है, या फिर राइस होते हैं, बॉयल्ड राइस होते हैं, ब्रेड वगैरह होती है, वो 2-3 दिन तक चल जाती हैं, या फिर 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। सेकंड पूछा है, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, आप उसको 1 हफ्ते तक रख सकते हो। तो देखो, अनियन होते हैं, पोटैटो होते हैं, कैरेट होती है, इस तरीके के जो फूड होते हैं वो हम 1 वीक तक रख सकते हैं। और थर्ड पूछा है, वुड नॉट स्पॉयल टिल 1 मंथ। 1 मंथ तक कौन सी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं? जैसे कि घी होता है, अचार होता है, रॉ राइस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो 1 मंथ तक ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप इस तरीके से आंसर कर देना। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपको, जैसे आपने ये लिस्ट बनाई है वैसे आपके फ्रेंड ने भी बनाई होगी, आपको क्या करना है, उसकी लिस्ट के साथ में अपनी लिस्ट को चेक करना है और फिर उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आंसर किया है, इस तरीके से आप आंसर कर देना। ठीक है, कि आपके और आपके फ्रेंड ने जो आइटम्स लिखे होंगे वो सेम होंगे, है ना? तो आपको ये इस तरीके से आंसर करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा है कि आपकी जो लिस्ट है वो हर सीज़न में सेम रहती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम हरी सब्जियों की बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हरी सब्जियाँ क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो वो 1 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम जाड़ों की बात करें, विंटर की, तो विंटर में वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, 2-3 दिन तक सही रहती हैं, क्योंकि तब ठंड होती है। और अगर हम बात करें रेनी सीज़न की, तो वो और भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि जब खाना ख़राब हो जाता है तो आप उसके साथ क्या करते हो? तो हम उसको फेंक देते हैं, है ना? तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अमन्स वीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए।
द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. शॉपकीपर ने क्या किया, एक ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. उन्होंने उसको देखा और तुरंत ही वापस कर दिया. तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट. अब देखो इस पैकेट को आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि ब्रेड पे फफूंद मतलब कि फंगस लगा हुआ है, ये ख़राब हो रही है, इस पर ऐसे ग्रीन ग्रीन सा बना हुआ है ना, तो ये सड़ चुकी है, तो इसीलिए वीजी ने वो वापस कर दिया. तो मैंने यहाँ पे आंसर बताया हुआ है, उन्होंने उस पर देखा कि फंगस लगा हुआ था इसीलिए उन्होंने उस पैकेट को वापस कर दिया क्योंकि वो एक्सपायर्ड था. ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर देना. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल. उन्हें कैसे पता लगा कि ब्रेड ख़राब हो गई थी, कैसे पता लगा, उन्होंने उसको देखा होगा और उस पर उन्हें कुछ ब्लैक स्पॉट्स से दिखाई दिए जिससे उन्हें पता लगा कि ब्रेड ख़राब हो चुकी है. तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है ना, शी फाउंड आउट दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल वाई सीइंग द ब्लैक स्पॉट्स इन इट. ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर देना. अगर फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वॉट कैन वी नो फ्रॉम वॉट इज़ रिटन ऑन द पैकेट. हमारे पास जो पैकेट होते हैं किसी भी चीज़ के, तो हम उसे क्या क्या पता कर सकते हैं, तो हम उसे मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट पता कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्राइस है, वेट है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने आंसर किया हुआ है, इस तरीके से आप आंसर कर देना. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, वेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वॉट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट. तो आप पैकेट पर क्या देखते हो, जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदते हो तो आप क्या देखते हो, तो आप आंसर कर देना. व्हेन आई बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट आई फर्स्टली लुक ऑन द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट. आप देखते हो कि उसकी वो बना कब है प्रोडक्ट और वो एक्सपायर कब होने वाला है. ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर देना. आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में करना है. उसमें आपको क्या करना है, एक आपको रोटी का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें डालनी है, फिर उसको एक डिब्बे में बंद करके रखना है, फिर 6 दिन तक उसको लगातार आपको देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रखे हैं. आगे यहाँ पर टेबल दे रखी है जो आपको खुद से फिल करनी है, उस टुकड़े को रोज़ाना देखना है, फिर उसके टच करने पर, स्मेल करने पर, देखने पर उसके कलर में क्या क्या चेंजेस आएंगे 6 दिन तक, वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में लिखना है. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है रीज़न फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड. तो देखो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु, इस स्पोर्स का मतलब होता है बीजाणु, तो ये ऑलरेडी हवा में, एयर में प्रेजेंट होते हैं. जब भी उन्हें फूड का मतलब व्हेन दे गेट अ मॉइस्ट सरफेस एंड फूड, जब भी उन्हें मॉइस्ट सरफेस मिलता है, फूड मिलता है, तो वो उसके कांटेक्ट में आकर के अपने आप से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो फूड को ख़राब कर देते हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न. जो फूड आइटम्स होते हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट रीज़न से ख़राब होते हैं. कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े दिन तक चल जाते हैं. तो हमें एक लिस्ट बनानी है सीज़न की एंड कंडीशन की इन विच फूड स्पॉइल क्विकली. तो अगर हम बात करें जो समर सीज़न होता है और रेनी सीज़न होता है, उसमें फ़ूड जल्दी ख़राब हो जाता है. अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो कुक्ड फूड होता है अगर आप उसको खुले में रख दो तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना. और जैसे मिल्क होता है अगर हम उसको सही से बॉयल ना करें तो वो ख़राब हो जाता है. ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं अगर उसको गर्म जगह पर रख दो तो वो बहुत जल्दी सड़ने लग जाती है. अचार होता है, अचार को अगर उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाए तो वो ख़राब होने लग जाता है ना. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं, आप इनको कॉपी पे कर लेना, नोट कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड वाई विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 डेज. मैच द करेक्ट पेयर. यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उसके सामने जस्ट कुछ मेथड लिखे हुए हैं जिसकी वजह से ये कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक फ्रेश रह सकते हैं. आपको सही मैच मिलाना है. जैसे कि मिल्क है, उसको अगर बॉयल कर दो
तो वो ज़्यादा दिन तक रहता है। कुक्ड राइस को अगर हम किसी बोल में रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक अच्छे से एक दो दिन तक चल जाता है। ग्रीन कोरिएंडर, धनिए की बात करें तो हम उसको डम्प क्लोथ में रखते हैं, और अनियन की बात करें या फिर गार्लिक की बात करें तो उसे ड्राई ओपन प्लेस पे रखते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर्स किए हुए हैं, आप इस तरीके से लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे स्टोरी दे रखी है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की, जो कि आत्रेयपुरम टाउन में रहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। जो ब्रदर्स हैं वो अपना समर हॉलीडे स्पेंड करते हैं मैंगो गार्डन में खेलते हुए। व्हेन द ट्रीज़ आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जो ट्री है मैंगो ट्री है वो फुल ऑफ फ्रूट्स हैं, उसमें आम या फल लगे हुए हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप्ड मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। अनराइप्ड मैंगो मतलब कि कच्चे आम, तो उन्हें कच्चे आम खाना पसंद है किसके, सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ में, नमक और मिर्च के साथ में। एट होम देयर मदर कुक अनराइप्ड मैंगोज इन डिफरेंट वेज, और घर पर उनकी जो माँ है वो कच्चे आम को डिफरेंट तरीक़ों से पकाती हैं। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पीकल्स, उसके अलावा वो बहुत सारे टाइप के मैंगो पीकल्स यानी कि अचार बनाती हैं आम के। द पीकल्स लास्ट थ्रू द एयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, जो आम का अचार है वो अगले सीजन तक पूरे साल चलेगा। एक वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क, एक इवनिंग जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो चिन्ना बाबू पूछते हैं, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, अम्मा हमारे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, मेक सम मामिदी तंत्रा फ्रॉम देम। तो कुछ मामिदी तंत्रा मतलब होता है आम पापड़, तो वो बोलते हैं कि मामिदी तंत्रा बना दीजिए हमारे लिए। देयर फादर सैड, उनके पापा बोलते हैं, मेकिंग मामिदी तंत्रा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क, आम पापड़ बनाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा 4 वीक्स तक, 4 हफ्ते। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, वी कैन टुगेदर मेक द मामिदी तंत्रा। अगर तुम लोग प्रॉमिस करते हो कि हर दिन 4 हफ्ते तक हमारी मदद करोगे आम पापड़ बनाने में, तो हम आम पापड़ बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, दोनों भाई तुरंत एग्री कर देते हैं हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, अगले दिन वो दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं। दे बॉट अ मैट बोविन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, वो लोग क्या करते हैं वो एक मैट लेकर के आते हैं जो कि पाम ट्री मतलब ताड़ के पेड़ से बनी होती है। पोल्स ऑफ कैसरीना ट्री, कैसरीना एक ट्री होता है उसके पोल्स लेकर के आते हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, हस्क का मतलब होता है भूसी, कोकोनट हस्क मतलब कि नारियल की भूसी। तो स्ट्रिंग लेकर के आते हैं कोकोनट हस्क की, और सम जागरी और शुगर लेकर आते हैं, जागरी मतलब गुड़ होता है, तो कुछ गुड़ और शुगर लेकर आते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अम्मा एक बैकयार्ड में सनी प्लेस होता है जहाँ पर धूप आती है वो फाउंड करती हैं। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाई यूजिंग पोल्स, और दोनों ब्रदर्स क्या करते हैं कि पोल्स की हेल्प से एक हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और वो क्या करते हैं जो उन्होंने पोल्स लगाए थे उस पर अपनी मैट को बांध देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे अम्मा अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, राइप मैंगो मतलब पके हुए आम, तो अप्पा क्या करते हैं अगले दिन बहुत मतलब अच्छे से पके हुए आम को सिलेक्ट करते हैं। दे टुक आउट मैंगो पल्प इन डू द लास्ट पोट, और वो लोग फिर क्या करते हैं उन पके हुए आम में से पल्प मतलब गूदा, उसका पके हुए आमों का गूदा निकाल लेते हैं एक लास्ट पॉट में। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ, उसके बाद क्या करते हैं वो उस पल्प को मसलिन क्लोथ से छान लेते हैं टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जिससे कि उसका जो फाइबर्स हैं उस पल्प में वो रिमूव हो जाएं। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, गुड़ मतलब जागरी, तो चिट्टी बाबू क्या करते हैं जो गुड़ होता है उसको क्रश करते हैं टिल देयर वर नो लम्प्स, जब तक कि उसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए, कोई भी गांठ ना रह जाए। दे एडिड द जागरी एंड शुगर इन द इक्वल अमाउंट, फिर वो क्या करते हैं शुगर और जागरी का जो अमाउंट होता है वो इक्वल अमाउंट में ऐड करते हैं
into the pulp. Pulp में चीनी बाबू mixed the जागरी and sugar well with the big spoon. चिट्टी बाबू क्या करते हैं, उस मिक्सचर को अच्छे से एक बड़ी चम्मच से मिलाते हैं. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इंटू अ थिन लेयर, थिन मतलब पतली लेयर में, ओवर द मैट. अम्मा क्या करती हैं, उस पल्प को अच्छे से फैला देती हैं एक पतली लेयर में मैट के ऊपर. द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन. और फिर वो उस थिन लेयर को क्या करती हैं, सन मतलब सूरज में, उसमें धूप में सूखने के लिए छोड़ देती हैं. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड द अवॉइड एनी डस्ट. उसके बाद इवनिंग में क्या करते हैं, वो लोग साड़ी की हेल्प से डस्ट से बचाने के लिए उसको कवर कर देते हैं. द नेक्स्ट डे अगेन दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प. अगले दिन वो क्या करते हैं, फिर से मैंगो पल्प निकालते हैं, फिर से वो लोग उसमें जागरी और शुगर ऐड करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर. उसके बाद जैसे अगले दिन वाली जो लेयर थी उसके ऊपर एक और लेयर को बिछा देते हैं. दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर. ये जो काम था वो दोनों भाइयों को, दोनों ब्रदर्स को दिया जाता है. बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट. बोथ ऑफ देम क्या करते हैं, दोनों लोग उसके ऊपर लेयर्स लगाते हैं. फॉर द नेक्स्ट 4 वीक दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन. अगले 4 हफ्तों तक वो रोज़ाना यही काम करते हैं और होप करते हैं, विश करते हैं कि बारिश ना हो. फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक. वो ये काम 4 हफ्ते तक करते हैं जब तक कि उनकी जेली 4 सेंटीमीटर तक थिक मोटी नहीं हो जाती और एकदम गोल्डन केक की तरह नहीं दिखने लग जाती. आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, कुछ दिन बाद अम्मा बोलती हैं, द मामीडी तंत्र इज रेडी. जो मामीडी तंत्र है वो तैयार हो चुका है. एंड वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इंटू पीस टुमारो. और हम उसको लाकर अब टुकड़ों में काट सकते हैं. द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. अगले दिन उस प्लेटफॉर्म से उस मैट को उतारा जाता है और आम पापड़ को कट किया जाता है स्मॉल पीसेस में. द ब्रदर्स टेस्ट इट. और जो दोनों भाई हैं वो उसको टेस्ट करते हैं. इट वॉज टेस्टी. वो बहुत टेस्टी था. चिन्नी बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी. चिन्नी बाबू कहते हैं कितना टेस्टी है ये. आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट. क्योंकि हमने इसे बनाने में हेल्प की थी. आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है कि जो मैंगो पल्प निकाला था उसमें शुगर को या फिर जागरी को क्यों मिलाया था और उसे धूप में क्यों सुखाया था. तो देखो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि उन्होंने मामीरी तंत्र यानी कि आम पापड़ बनाया था. और आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि मैंगो पल्प में शुगर और जागरी को मिलाया था और उसके बाद उसको थिन लेयर में फैला करके उसे धूप में सुखाया था. तो इस तरीके से आप आंसर कर देना, टू मेक मामीरी तंत्र. ठीक है. शुगर एंड जागरी वॉज मिक्सड इन टू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामीदी तंत्र. जो अप्पा थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पके हुए आम क्यों सेलेक्ट किए थे. तो क्यों सेलेक्ट किए थे, मैंने यहाँ पे आंसर किया है, अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप्ड मैंगो टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामीदी तंत्र बिकॉज द राइप्ड वन कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर. जो बहुत ज़्यादा पके हुए आम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जूस होता है और उनमें फाइबर कम होता है, इसीलिए अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आमों को सिलेक्ट किया था. ठीक है. आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामीडी तंत्रा, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर इट. तो सबसे पहले तो देखो उन्होंने क्या किया था, वो मार्केट गए थे, वहाँ से वो कुछ सामान लेकर के आए थे, है ना, मैट लेकर के आए थे और हस्क कोकोनट हस्क लेकर आए थे, शुगर और जागरी लेकर आए थे. उसके बाद उन्होंने क्या किया था, घर पे आके मैंगो पल्प निकाला था जिसमें उन्होंने शुगर और जागरी को ऐड किया था और क्या किया था, मैट लगाई थी, है ना. फिर उसके बाद 4 वीक तक उन्होंने उस जो मिक्सचर बनाया था मैंगो पल्प का, शुगर का और जागरी का, उसको थिन लेयर में 4 वीक तक लगातार डाला था एक के ऊपर एक. तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आंसर कर दोगे. यहाँ पर मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, इस तरीके से आप
स्टेप बाय स्टेप आंसर करोगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो। आपको बताना है कि आपके घर में कच्चे और पक्के आमों से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कच्चे आम से अचार बनाए जाते हैं, चटनी भी बनाई जाती है ना, और पके हुए आम से आम का पन्ना बनाया जाता है, मैंगो जूस बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से आप आंसर कर दोगे, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप नोटबुक कर लोगे, नोटबुक पे नोट कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपको जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको पिकल्स मतलब अचार के नाम पता है, आप बता सकते हो, वो आपको लिखने हैं। तो बहुत सारे अचार होते हैं, जैसे कि नींबू का अचार होता है, आम का अचार होता है, मिक्स्ड अचार होता है, आमले का अचार होता है, मिर्च का अचार होता है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर किया हुआ है, आप ये आंसर कर लोगे, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। आपके घर में अचार बनते होंगे, आपको बताना है कि कौन कौन से अचार बनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इट इज़, हु मेक इट, मेक्स इट, फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल। तो मैंने देखो यहाँ पर आंसर करा हुआ है, आपके घर में किस किस के अचार बनते हैं, मैंगो का बनता होगा, लेमन का बनता होगा, आमले का, मिर्च का, बहुत तरीके के अचार बनते होंगे। और कौन बनाता है, आपकी मदर बनाती होंगी, और उन्होंने किससे सीखा होगा, आपकी ग्रैंड मदर से। तो इस तरीके से आंसर कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ऑल थिंग्स आर नीड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, हाउ इज़ द पिकल मेड, फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने रेसिपी बता रखी है मैंगो के पिकल की, आम के अचार की, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो कि किस तरीके से हम आम को लाते हैं, फिर उसको बहुत सारे अचार मसाले पड़ते हैं, ऑयल वगैरह पड़ते हैं, फिर उनको आम को छोटे छोटे पीस में काटा जाता है धोकर के, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, और किस तरीके से उसको अचार को डाला जाता है, ढेर सारे मसाले बना करके। मैंने ये रेसिपी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस तरीके से कॉपी पर अपनी लिख देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन था, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि पापड़, चटनी, बढ़ियाँ, सॉस, ये किस तरीके से आपके घर में बनती हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी मैंने स्लाइड में बता रखा है, आप इस तरीके से नोट कर देना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन था, इट इज़ अ 2 day जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू, हाउ वुड यू पैक देम, मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैकेट्स फूड, व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप पुणे से कोलकाता जा रहे हो, तो आप आपकी जर्नी ट्रिप में क्या क्या फूड आइटम पैक करके ले जा सकते हो, आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है कि आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हो, स्वीट्स ले जा सकते हो, है ना, बिस्किट्स ले जा सकते हो, चिप्स ले जा सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, पूरी सब्जी वगैरह है, तो आप ले जा सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप आंसर आपकी नोटबुक पे लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, व्हाई इज़ दिस सो। जब भी हम अचार भरते हैं तो जिस जार में उस या बोतल में उसको भरा जाता है, उसको धूप में रख के अच्छे से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रह जाए। अगर ऐसा बोतल में पानी की एक बूंद भी रह जाती है ना, तो अचार जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप आंसर इस तरीके से लिख देना। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, टू ईट मैंगोज राउंड द एयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिक्की, बहुत सारे आइटम। तो हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय इन थ्रू द एयर, थ्रू आउट द एयर। तो मैंने यहाँ पर देखो ये लिस्ट इस तरीके से बना रखी है, जैसे पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से अचार बनता है, नींबू से, है ना, आम से, आमले से, इस तरीके से, और जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, उनसे भी हम अचार बनाते हैं, पोटैटो चिप्स होते हैं जिसको कि हम चिप्स बना करके रखते हैं, और बहुत सारी मुरब्बा होता है, मुरब्बा भी बहुत सारी चीज़ों से बनता है, आमले का मुरब्बा होता है ना, जिसको कि बनाते हैं गुड़ के साथ में। तो इस तरीके से चीज़ें मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप लिख देना, ठीक है।
हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।